11:15 पर अभी एक अंचल ऑपरेटर की देखिए आगमन हो रही है, अभी सीओ साहब गायब है, बैठते हैं प्रखंड के, ये भी अभी तक गायब है, बाहर से बंद है तो अंदर में कुछ होगा नहीं, यही सी बात। 11:10 हो रहा है, अभी तक सीओ साहब अपने कार्यालय में उपस्थित। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज, मैं हूं शिवम। एक कहावत है कि 11 बजे लेट नहीं और 2 बजे भेंट नहीं, यह कहावत सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय पर दिख रही है, जहां 11 बजे तक ना ही कोई अंचल के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, ना ही कोई प्रखंड के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एकाध दो अधिकारी जो है पहुंचे हुए हैं। आखिर क्यों अधिकारी सोए रहते हैं, टाइम से अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते, आखिर क्यों, आखिर क्या उनको सोने के लिए सरकार जो है तनख्वाह देती है या काम करने के लिए, या तो वही अधिकारी बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो सीमांत जिले के हसनपुरा प्रखंड अंचल कार्यालय की है, जहां ना सीओ साहब अभी तक पहुंचे हुए हैं, ना प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जी अभी तक पहुंचे हुए हैं। आखिर क्यों नहीं पहुंचे हुए हैं, वह तो वही बताएंगे कि अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हुए हैं। कई जो आम जनता है काम कराने के लिए पहुंची हुई है, लेकिन कब से इंतजार कर रही है कि अब सर आएंगे तो मेरा काम होगा, लेकिन अभी तक सारा कार्य हो गया, अभी तक कोई अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी है नहीं आए हुए हैं, एकाध दो जो अधिकारी है आए हुए हैं। अगर हम खबर दिखाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि आप लोग खाली यही काम है, आप लोग खबर दिखाते हैं, हम लोग काम नहीं दिखाते हैं। क्या आपका काम है, ये आप ही बताएंगे कि हाँ हम लोग क्या खबर दिखा रहे हैं, आपका क्या काम है वही हम दिखाएंगे, क्योंकि आपको तनख्वाह सरकार काम करने के लिए देती है, ना ही सोने के लिए देती है, लेकिन आप लोग सोकर तनख्वाह उठाते हैं। इसी सरकार की विडंबना है, बिहार सरकार की, जो आप जैसे कर्मी है और आप जैसे सरकारी कर्मचारी है जो आम जनता की सेवा नहीं करके केवल तनख्वाह उठाकर सोते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार हसनपुरा प्रखंड के, हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं किस प्रकार अभी ताला लटका हुआ है और जो भी बड़े बड़े अधिकारी है अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं, और जो आम जनता है ब्लॉक की चक्कर लगा रही है ताकि कब अधिकारी आएंगे तो मेरा काम होगा। और इस पे चाहिए कि जिला अधिकारी जो है अमित कुमार पांडे, जो 33 जिला अधिकारी है, उन पे चाहिए कि ऐसे कर्मी पर स्पष्टीकरण निकाले कि आखिर ये लोग 11 बजे तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं ब्लॉक में, क्या 10 बजे इनको आना है लेकिन 11 बजे तक आखिर क्यों इन लोग नहीं पहुंच रहे हैं। इस पे चाहिए कि जिला अधिकारी इन लोग से पूछताछ करे और जो भी कार्रवाई हो इन लोग पे करनी चाहिए, ताकि और भी जो ब्लॉक है उनके जो कर्मचारी जो लेट से पहुंच रहे हैं वो सुधर सके, क्योंकि आम जनता जो परेशान हो रही है, आम जनता के ही समाधान के लिए कर्मचारी बहाल किया जाता है, लेकिन आम जनता की जब समाधान ही नहीं होगा तो फिर कर्मचारी किस बात की और कर्मचारी की तनख्वाह किस बात की। फिर से एक बार बता दें कि हम अभी मौजूद हैं सिवान जिला के हसनपुरा प्रखंड में, जो अब तस्वीरें दिखा रहे हैं हसनपुरा प्रखंड मुख्यालय की दिखा रहे हैं कि अभी तक 11 बज गया है, अभी तक बड़े बड़े जो अधिकारी हैं कोई नहीं पहुंचे हैं, एकाध दो जो अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं। अब देखना क्या होगा इस खबर दिखाने के बाद जिला के 33 जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे जी इस कर्मी पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए A1 न्यूज और सुनिए यहाँ के जो आम जनता है उनके द्वारा क्या कहा जाता है। कब से आए हैं आप? हम 10 बजे आए हैं। सीओ साहब कहाँ हैं? अभी तो भेंटे नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं लोग? अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव जी। कहाँ से हैं? हम महमूदपुर जायगढ़ पंचायत से। कहाँ आए हुए हैं? सीओ साहब से। सीओ साहब से मुलाकात कर रहे हैं। कब से आए हैं? तो आए 9 बजे से। अभी तो 11 से ज़्यादा हो रहा है टाइम। कहाँ है सीओ साहब? मालूम चला है? मालूम नहीं चल रहा है, कब तक आएंगे। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार सिंह। 11:15 पर अभी एक अंचल ऑपरेटर की देखिए आगमन हो रही है, अभी सीओ साहब गायब हैं। कहाँ हैं अभी आप तो बताइएगा। काम कराने के लिए आए हैं अंचल में, ब्लॉक में। कहाँ हुए? ऑनलाइन कराना है? ऑनलाइन कराना है। कोई नहीं है अभी? नहीं, अभी ऑपरेटर कोई नहीं। हाँ ठीक।